हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का आपके अपने ही चैनल तरु वाटिका में। दोस्तों, अब सीजन आया हुआ है। अगर आपने रिपोर्टिंग करनी है और नेक्स्ट सीजन में अच्छे फ्लावर लेने हैं फ्लावरिंग प्लांट से, किसी भी फ्लावरिंग प्लांट से, खासकर मोगरा, जैस्मिन वगैरह, तो ये देखिए ये रूट बाउंड हो चुके हैं कितनी सारी। तो इस कंडीशन में आपको मन चाही ब्लूमिंग नहीं मिलेगी, चाहे आप कुछ भी डालो मिट्टी में। तो अब इसका टाइम आ गया है इससे कम से कम 2 इंच बड़े पोट में इसको शिफ्ट करने का। तो ये 2 प्लांट है मेरे पास और दोनों की ही रूट बाउंड हो चुकी है, क्योंकि 2 साल हो चुके मेरे ख्याल में इसको। और ये देखिए ये भी कितनी रूट बाउंड हो चुकी है। तो इस कंडीशन में जो रूट्स होती हैं उनको एयर नहीं मिल पाती पोट से, मिट्टी से, सारा रास्ता ये रोक लेते हैं रूट्स। तो इनका जो हमें चाहिए मन चाहिए इसकी डेवलपमेंट वो नहीं हो पाती। तो ये जो टाइम है ये बेस्ट टाइम है अगर आप ऐसे चेंज करना चाहते हैं अपने पोट वगैरह को। और हमेशा जब भी पोट चेंज करें तो बड़ा साइज का पोट लें, कम से कम 2 इंची, ताकि आपको 1-2 साल तक चेंज करने की ज़रूरत ना पड़े। तो इसके लिए मैंने लिया है एज यूजल गार्डन सोयल और ये गोबर खाद इतनी सारी, और ऑलरेडी इसमें पड़ी थी यूज्ड सोयल यूज कर रही हूँ मैं, वैसे भी वेल ड्रेन है जो ऑलरेडी। और ये इसमें बोन मील और ये नीमखली दोनों ही मिक्स है। तो थोड़े थोड़े ये मैं डाल दूँगी ताकि रूट्स में फंगस ना लगे। और मिट्टी ऑलरेडी हमारी गिल्ली है इसलिए पानी थोड़ा कम जाएगा इसमें। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ये बेसिक, और उसके बाद मिट्टी को ये देखिए डालना शुरू करते हैं। गार्डनिंग में ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि एक बार पोट लगा कर, प्लांट लगा कर छोड़ दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वो सालों साल फ्लावरिंग देता रहेगा प्लांट, ये कभी ना सोचें। उसको रीपोटिंग करना बाद में बड़े पोट में बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये मैं एक प्लांट आपको लगा के दिखा देती हूँ, इसकी जो ये रूट्स हैं इनको रूट बाउंड हो चुका है, इनको निकालने में टाइम लगेगा। ये देखिए कितनी सारी हैं, ये मैं आपको दिखाती हूँ रूट निकाल के प्लांट। ये मैंने निकाल लिया है और थोड़ी मिट्टी इसके साथ ही छोड़ दी है ताकि प्लांट को पता ना चले कि इसको कहीं शिफ्ट कर दिया है और ये शोक में ना आए। तो इसको हम एज इट इज इसमें रख देंगे और जो साफ मिट्टी है उसको हम यूज करेंगे। बस इतना सा काम होता है और प्लांट हमारा रिपोर्ट हो जाएगा। इसमें साथ साथ ये खाद भी इसमें मिक्स कर देते हैं। अगर पहले मिक्स करना भूल जाए तो आप ऐसे भी बीच बीच में मिक्स कर सकते हैं, लेयर चढ़ा सकते हैं बीच में, कोई दिक्कत नहीं। और ये फंजिस, ये नीम खली और बोन मील सिर्फ 1 ही चम्मच में डालूंगी एक प्लांट में। पोट के साइज के हिसाब से आप डाल सकते हैं, अगर आपका पोट बहुत बड़ा है तो उसके हिसाब से आप डाल सकते हैं। बस हो गया है हमारा तैयार, ये देखिए प्लांट तैयार हो गया है। अब इसमें बारी है वॉटरिंग करने की। इसी तरह ही मैं दूसरा वाला भी पोट तैयार कर देती हूँ, वॉटरिंग कम करनी है क्योंकि ऑलरेडी मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली है, रात को बारिश आई थी तो पोट बाहर रखे गए।
ये लग चुका है हमारा मोगरा और तैयार है अगले सीजन के लिए। जो इसकी डेड स्टेम है वो हम प्रून कर देंगे थोड़ी सी, बस इसी तरह मैं दूसरा भी लगा देती हूँ। तो ये हमारे दोनों पॉट तैयार हो चुके हैं, दो दो इंची बड़े पॉट लिए हैं, तो तैयार है ये अगले सीजन में ब्लूमिंग के लिए। और इसी के साथ ही वीडियो का एंड करते हैं। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा आपको कि नेक्स्ट सीजन में ब्लूमिंग ज़्यादा लेने के लिए हमें और क्या क्या काम करने पड़ते हैं। तो उसमें से एक ये इम्पोर्टेंट भी है, कटिंग प्रूनिंग और फर्टिलाइजिंग के साथ साथ रिपोर्टिंग करना भी बहुत ज़रूरी है रूट्स थोड़ी थोड़ी ट्रिम करने के बाद, जैसा मैंने आपको दिखाया। इसी के साथ ही वीडियो का एंड करते हैं। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं और विद बेल आइकन, क्योंकि इसके बिना आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।